राघव जी, राघव जी, कहाँ हैं आप राघव जी? जी प्लीज हमें कोई राजी कहीं, हमें हमारे राघव जी से मिलवा दीजिए। ये मिश्री यहां कैसे आ गए? मैं जब भी राघव को खत्म करने जाता हूं, ये मिश्री उसकी ढाल बनकर उसके सामने आ जाती है। मेरा सारा प्लान फेल कर दिया इसने। चले गए राघव जी, मैं से जुड़ के कभी गई मैं जाइएगा, कितना घबरा गए थे। चलिए आपको कुछ नहीं देंगे, चलिए यहाँ से चलिए। जब हम आए थे तब तो ये क्या निया नहीं रखा हुआ था। खैर छोड़ो, अब फिलहाल के लिए हमें राघव जी का ध्यान रखना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए आराम से। मिश्री ने बचा लिया राघव को और वो उसे अपने साथ लेकर गई है। मिश्री सच में बहुत भाग्यशाली है राघव के लिए, मिश्री ने राघव को फिर से बचा लिया। लेकिन मिश्री वहां पहुंची कैसे? मैंने पट्टी कर दी है, कुछ दवाइयां हैं जो मैं नर्स को बोलकर भिजवा देता हूं। जी ओके। श्री मैं ठीक हूँ, बंद करो रोना। तुम इतना रोगी तो हमारे अंदर पानी की कमी हो जाएगी, फिर तुम्हें ग्लूकोज चढ़वाना पड़ेगा। कोई इस समय भी मजाक सोच रहा है? पता हम कितना डर गए थे। नहीं मुझे नहीं पता तुम कितना डरी थी।
बताना कितना डरी थी तुम। तो जितना हम आपसे प्यार करते ओ जानिए हीरे। हम भी ना तेरे क्यों ऐसी बातें करते हैं? सही से आपको लगी तो नहीं? ओ जानिए ओ हीरे। तब क्यों मैं साथ ऐसी बातें मत किया करे? लग रही है सॉरी। तुम सच में सुपर वुमन हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ? कैसे मुझे बचाने आ गई? तुम ना बहुत लकी है। थैंक यू क्या? क्योंकि मैं तुम्हें मिला इसलिए लकी हो। ये रोना बंद करो, ये तुम्हारे आंसू अच्छे नहीं लग रहे। ठीक हूं मैं। अब आपके साथ क्या हुआ था? आप अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? श्री बस रुकी, फिर बच्चों को नीचे उतारने के लिए मैं नीचे उतरा बस से। अचानक से तीन चार लोग आए, किसी ने मेरे चेहरे पे कपड़ा लगाया मैं और मुझे खींच रहे थे, तो मैं आपको बचाने की कोशिश की। अचानक से किसी ने सर पे डंडा मारा, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे पता नहीं मैं कैसे वहाँ पहुँचा। कौन हमला करेगा और क्यों करेगा? रघु जी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी बस की ब्रेक फेल हुई, फिर अचानक से आपका अपहरण हो गया। कौन है जो आपको चोट पहुंचाना चाहता है? क्या हुआ? तुम्हें तो चिल्लाना चाहिए था ना राघव के बचने पर। ये बात मैं रंजीत को भी नहीं बता सकती कि वाणी राघव के प्यार में इस तरह पागल हो गई है कि वो कुछ भी कर सकती है। और अगर दोबारा उसे पता चल गया कि मैंने राघव को मारने की कोशिश की है तो वाणी मेरी जान ले लेगी। क्या हुआ? मुझे बस इस बात का सुकून है कि राघव जिंदा है। ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। जान लेने वाला जान बचने पर खुश है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया तुम्हारा और राघव का रिश्ता। लेकिन इन सब के बीच में तुम्हें ये तो याद है ना, हमें आज नहीं तो कल राघव को खत्म करना है और बर्बाद करना है द्विवेदी परिवार के बिजनेस को। ये हमारा प्लान तो ऑन है ना? कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने कदम पीछे लेकर थोड़ा शांत बैठना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने सपने और अपनी ख्वाहिशों को मार दिया। इस समय तुम बस एक सांप की तरह घास में अपना सिर झुकाकर बैठो, किसी को दिखाई मत देना और सही समय आने पर अपना सिर उठाकर राघव को ऐसे डसना कि मिश्री का भाग्य भी उसे तुम्हारे जहर से बचा ना पाए। राघव अंदाजा भी ये सुन के कि तू गायब हो गया, मेरी क्या हालत हो गई थी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। दादाजी अरे राघव पूरा हो गया तेरा दादा, इतना बड़ा दर्द सहने की ताकत ना रही है मेरे बूढ़े दिल में। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। कोई बात नहीं बेटा, अंत भरा तो सब भरा, तू ठीक है, यही काफी है, बाकी सब भूल जा। ठीक
दादी कुछ बता ना, आई हेट टीयर्स। लाखों रुपए के आंसू आपके, एक भी गिर गया ना तुम। चुप रह लल्ला, तो मेरे आंसू की कोई परवाह ना है। तूने एक पराई लड़की के लिए अपनी दादी को पराया करने में एक मिनट भी ना लगाया। दादी ऐसा नहीं है, मैं आपका पोता हूँ, मेरी रगों में आपका खून है, आपके संस्कार है। दादी आप ही से तो सीखा है मैंने, रिश्तों में सबसे बड़ा वो है जो जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा है।